भाई सुहाना खान की मूवी द आर्चाइज रिलीज हो चुकी है। मैं ये गलत बोल रही हूँ, ये सुहाना खान की मूवी ही नहीं है, सिर्फ इसमें है खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा जो हैं अमिताभ बच्चन के भांजे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मूवी की। वैसे इस मूवी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और हमने किसी से बोला भी नहीं था कि भाई हम मरे जा रहे हैं इन लोगों की मूवी देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ मूवी रिव्यू की। मूवी में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जोया अख्तर ने इसको हमारे सामने ला के रख दिया। ये बहुत ही हाई लेवल की मूवी है जिसको हम प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते अपनी रियल लाइफ में। अमीर बच्चे होते हैं इसमें, मोस्टली आपके जो डायलॉग होंगे आपके सर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि इसमें बस स्टार किड्स ने अपनी इंग्लिश में बक बक करी है, क्योंकि स्टार किड्स को इंग्लिश में बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं बात करती हूँ यहाँ पे सुहाना खान की एक्टिंग की। सुहाना खान के लिए तो मीम इतने ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, उनका कहना है लोगों का कि CID मूवी में डेड बॉडी भी इससे ज़्यादा अच्छा रोल करती है। बात करते हैं खुशी कपूर की। खुशी कपूर कहीं कहीं पे बहुत सही लगी, लेकिन कहीं कहीं पे वो अच्छी नहीं थी। लोगों का कहना है कि खुशी कपूर सुहाना खान से थोड़ी सी अच्छी लगी हमें। मूवी है द आर्चाइज, यहाँ पर जो विदेशी कल्चर है जो भी है उसको इंडिया में उन्होंने दिखाया है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बात करती हूँ यहाँ पे मैं उनकी डायलॉग की, डायलॉग बिल्कुल बकवास थे। और दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मूवी देखने से ज़्यादा लोगों को इसके प्रमोशन का वेट था, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्स आए थे लाइक शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये लोग इसके प्रीमियर पे पहुँचे थे। तो मुझे तो लगता है कि लोगों ने मूवी रिव्यू से ज़्यादा ने इसकी रील देख ली होंगी इसके प्रीमियर के लिए। इस टारगेट भर लिए हैं इसमें सारे के सारे, क्योंकि उनको किसी और को लेते तो शायद उनको यहाँ पे एक कंपटीशन सा फील होता, तो इसलिए उन्होंने सारे टारगेट्स को इसमें भर लिया है, क्योंकि एक्टिंग तो उनको आती नहीं है। तो किसी को भी ये ना लगे कि भाई इसने मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है या इसने मुझसे कम एक्टिंग करी है, सब ने इक्वल ही करी है। इसका मतलब किसी ने भी करी ही नहीं है एक्टिंग। तो बात करती हूँ अगस्त्य नंदा की, वो तो इस पूरी मूवी में बस इधर से उधर पड़े रहते हैं, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, वो तो इस मूवी में है ही नहीं। एक्टिंग का ए भी मुझे इसमें किसी के अंदर नहीं दिखा, एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस, डायलॉग वायलॉग कुछ भी इस मूवी में ऐसा नहीं था। बस इसको देखने के लिए गए हैं कि भैया ये स्टार किड की मूवी है, इसमें स्टार किड्स हैं, बस उनको देखने के लिए गए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद किसी को भी बहुत बेहतरीन मूवी मिलने वाली है, क्योंकि लोग यहीं से इनको जज कर लेंगे कि इन्होंने इसमें कैसी एक्टिंग करी है। तो करियर मुझे लगता है कि इनका यहीं पर ख़त्म हो चुका है, एक्टिंग हमने देख ली है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।